हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और इसी आशा के साथ कर रहे हैं हम अपने ब्लॉग की शुरुआत। आज जी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कल है ना, भी बोर की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, तो इसी वजह से मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है। मुझे तो लग रहा है इसी कारण हो रही है। कुछ कभी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है घर में तो उसकी बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेती है मम्मी, और टेंशन लेने के बाद में उनकी मतलब सांस में प्रॉब्लम हो जाती है। और जो है ये कह रहे हैं कि दिमाग में गुब्बारा सा हो रहा है बहुत बार, मतलब सुबह से बहुत ज़्यादा परेशान है। और सारी रात उनको नींद नहीं आई, और रात भी हम 2 बजे सोए थे। कन्नू के पापा 2 बजे अपनी मम्मी का चेकअप वगैरह करके बीपी चेक किया, थर्मामीटर से पल्स रेट चेक की, ऑक्सीजन चेक की उनकी, और शुगर भी चेक किया था रात। लेकिन कुछ सब चीज़ नॉर्मल आ रही है, लेकिन टेम्परेचर है जो 96 से कम आ रहा है। 96 से थोड़ा सा कम, 0.1 कम हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, लेकिन पता नहीं लग रहा है क्या प्रॉब्लम हो रही है। और डॉक्टर के पास भी जाने के लिए कह रहे हैं, 2-3 दिन से मना कर रही है कि डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। हेलो जी, देखिए जी, अभी कन्नू के पापा माँ की ऑक्सीजन चेक कर रहे हैं, और ऑक्सीजन मीटर ला रखा है इन्होंने अपना घर पे ही, जब कन्नू के ताऊ जी बीमार हो गए थे, कोरोना हो गया था इनको, जब से ये ऑक्सीमीटर घर पे ही रखा है। तो जब भी किसी को प्रॉब्लम होती है तभी उसको लगा देते हैं और चेक कर लेते हैं, कभी इनकी ऑक्सीजन तो कम नहीं आ रही है। वैसे इन्होंने डॉक्टर से परामर्श ले करके, जो इनके जानने वाले डॉक्टर है जिससे मम्मी का ट्रीटमेंट चलता रहता है, उनसे परामर्श लेकर के ऑक्सीजन और बीपी चेक कर रहे हैं। बीपी भी पहले चेक कर लिया इसके आने से पहले ही। अब ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है कन्नू अपने पापा को, करने नहीं। और देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन चेक कर ली है मम्मी की, और अभी कर रहे हैं बीपी चेक। और कन्नू बोल रहा था कि मुझे भी बीपी चेक करना है, फिर कन्नू पापा ने इसको लगा दिया दूसरे काम में कि आप ऑक्सीमीटर बॉक्स में रख दो और मैं जब तक ब्लड प्रेशर की मशीन से बीपी चेक कर लेता हूँ माँ का। और अभी मम्मी का बीपी चेक करने के बाद में इन्होंने डॉक्टर को बोल दिया कि ये बीपी आया है। और फिर कन्नू बोल रहा है कि माँ मेरा भी माथा गर्म हो रहा है, और मेरे जो माथा है उसमें ना दर्द हो रहा है। मत्था गरम हो रहा है कन्नू का, और कन्नू ने चेक किया, कैसे चेक किया मत्था? मत्था छाम भी गरम होता है, धूप में भी गरम होता है। तो ऐसा करते हैं, कभी धूप में गरम हो जाए तो चलो धूप से हो रहा है, तो छाम भी गरम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है भाई? जब छाम भी मत्था गरम होता है इसका मतलब क्या होता है? बुखार होता है इसका मतलब। अगर मत्था जो कन्नू का जो मत्था है इस पे हाथ लगा के देखता है कन्नू, जब धूप में होता तब भी लगा के देखता है, और फिर छांव में जाके फिर भी लगा के देखता है। अगर ये छांव में भी से गर्म नजर आता है माथा, तो इसका मतलब कन्नू बताता है कि मुझे बुखार हो रहा है, है? इसको कुछ नहीं हो रहा है, ये सब ठीक है, सिर्फ ये ऐसे ही बता रहा है हम लोगों को, ऐसे ही समझा रहा है, भका रहा है हमको। अब चलो इसके भाई के लगाते हैं ड्रिप, उनका ड्रिप का नंबर आ गया है। यहाँ पर देखिए अभी कन्नू के पापा विभोर को ड्रिप लगा रहे हैं, और डॉक्टर ने बोल दिया था कि एक ड्रिप और लगवा देना इसको, क्योंकि इसको कमजोरी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी, और मतलब चलते हुए चक्कर आ रहे थे। 104 बुखार में मतलब इसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। तो देखिए कितना घबरा रहा है कन्नू, बोल रहा है कि पापा ये वाली सुई लगा दो, ये वाली ड्रिप में ये वाली सुई लगा दो। लेकिन उसके मतलब पास में आने से भी विभोर बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, तो परे चला जाए, तो परे चला जाए, इसको बोल रहा है कि बाबू तू परे चला जा। और वो इसको देख करके भी मतलब इतना घबरा जाता है बहुत ज्यादा। तो मैं इसको बातों में लगा रही थी कि बेटा तू इधर मत देख, इधर देख ले, और देखे किस तरीके से कर रहा है पैर। और अभी इसको एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी लगा दिया है, इसमें ड्रिप को बाहर निकाल करके इसमें इंजेक्शन लगा रहे है वे सिरिंज से, और देखिए किस तरीके से कर रहे हैं। विभोर का बहुत ध्यान रख रहे हैं, और बार बार डॉक्टर से फ़ोन पर पूछ रहे हैं कि इसको कौन सी दवाई लगानी है, कौन सी नहीं लगानी है, क्योंकि आज डॉक्टर जो थे इसको ड्रिप लगाने वाले थे वे नहीं आ पाए हैं, और वे चले गए हैं अपने घर पे। अब अपना आराम से रख है? हाथ कहीं भी क्या हो गया? इसे है ना, सुन, अचानक से ना मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। मैं ड्यूटी था और ड्यूटी से फ़ोन गया बूबी का कि मम्मी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो मुझे तुरंत गाड़ी लेके रास्ते से ही आना पड़ा, गाड़ी करके तुरंत आना पड़ा, और मम्मी को लेके हमें आना पड़ गया हॉस्पिटल, एकदम से आना पड़ा। वो भी तुरंत रेडी थी,
मम्मी भी घड़े बैठाया और बहुत ही ज़्यादा बेचैनी मम्मी को हो रही थी, मतलब कि इतनी बेचैनी हो रही थी कि कुछ बता नहीं सकते। मम्मी को बहुत ही ज़्यादा बेचैनी थी और इनकी हॉस्पिटल में आए, फिर टेस्ट कराए। वे लोग तो स्टेप पर नहीं बना पाए थे क्योंकि काफ़ी बिजी थे और काफ़ी अस्त व्यस्त हो रहे थे सब चीज़। तो जो इनकी रिपोर्ट आई है, अभी डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने बताई है कि रिपोर्ट इनकी सब नॉर्मल आई है, इनको रिपोर्ट में कुछ नहीं आया है। तो फिर भी इनको ड्रिप चलवा दी है। टीवी है तो डॉक्टर साहब जब तक नहीं बोलेंगे कि जब तक इन्हें आराम नहीं होता था, तब तक बोलेंगे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तब इनको यहाँ से लेके आएंगे। और मैं और वो भी यहाँ पर बैठे इंतजार कर रही है। कन्नू को भी हमने घर पे छोड़ रखा है अकेले की, वो भी घर पे ही है अभी, उसका कोई फ़ोन नहीं आया है, एकदम इमरजेंसी आना पड़ गया। वो भी को साथ इसलिए लेके आए कि मम्मी को उठाने में, बाथरूम कराने में, लेके जाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है मुझे, तो ये काम वो भी करेगी, और इसलिए वो भी यहाँ से अचानक से आके बैठी हुई है। और हॉस्पिटल में हम फिलहाल है, मुजफ्फरनगर हॉस्पिटल में है, उससे बात हो गई थी फ़ोन पे। फिलहाल तो डॉक्टर विजिट करके चले गए हैं और इनको मेडिसिन वगैरह भी सब दे दी है जो जो देनी थी। इन्होंने कल शाम से कुछ खाया भी नहीं है, इस वजह से इनको थोड़ी सी भी और ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो जी बॉबी को लग गई है भूख, तो मैं तो खाने की इच्छा नहीं है, सुबह चला था रख करके, वैसे तो दोपहर के बाद हो चुका अभी, पर फिर भी मैं बॉबी के लिए कुछ लेने आया हूँ, नमकीन और बिस्किट और चाय हॉस्पिटल में ही मिल जाती है। ये सब ले लिया है मैंने गोभी के लिए और अपने लिए भी, थोड़ा बहुत मैं भी खा लूँगा। और अभी चल रहा हूँ हॉस्पिटल की ओर। और जब है ना हम उनके लिए करके आए थे तो इतनी बुरी हालत थी उनकी, बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी। और सुबह से बोल रहे थे उनको लाने के लिए, तो लेकिन मम्मी मान नहीं रही थी बिल्कुल भी। और हम बार बार कह रहे थे मम्मी चलो आप डॉक्टर के पास, जब यहाँ पे आराम नहीं लग रहा है तो प्लीज़ आप डॉक्टर के पास चलिए। तो ये मना कर रही थी, बोल रही थी कि मुझे नहीं जाना है डॉक्टर के पास, मैंने बहुत सारी दवाई खा ली है, अब मुझे और दवाई भी नहीं खानी है। तो लास्ट टाइम पे उनको पता नहीं क्या हुआ, असल में गुब्बारा गुब्बारा सब कह रही थी कि गुब्बारा फट रहा है, गुब्बारा फट रहा है। तो उनको सब एसिडिटी की वजह से हो रहा था ये सारी प्रॉब्लम्स, और जितनी भी एसिडिटी की सारी दवाइयाँ थी वे घर पे दे चुके थे हम, लेकिन कुछ भी आराम नहीं लग रहा था। अब उनको ड्रिप चढ़ रही है यहाँ पे, और अभी काफ़ी हद तक हालत ठीक है। और मैं तो उनको देख करके रोने लगी थी उस टाइम पे, मतलब गाड़ी में बहुत बुरी हालत हो रही थी उनकी, और मुझे भी उन्हें देख के बहुत रोना हो रहा था। तो ये कह रही थी कभी मुझे यहाँ पे डाल दो, कभी कुछ कह रही थी, कभी कुछ कह रही थी, कभी उसमें जो मतलब कार की जो सीट थी उसमें सर मार रही थी, बहुत बुरी थी, बहुत बुरी हालत थी। और मैंने ऐसी हालत पहले कभी नहीं देखी सच में। और देखिए जी यहाँ पे अलग अलग वार्ड है, जेंट्स वार्ड अलग है, बच्चों के वार्ड अलग है। यहाँ पे 12 साल से ऊपर के पेशेंट देखे जाते हैं, उससे कम पेशेंट नहीं देखे जाते। और देखिए कितनी अच्छी पेंटिंग लग रही है यहाँ पे, बहुत अच्छी है। और इधर देखिए किस तरह से डिजाइन निकाला हुआ है। देखिए जी नर्सिंग होम से बाहर आ गई हूँ मैं, और बाहर आने के बाद ये है अंदर से नर्सिंग होम, और ये है उसके बाहर का रोड। जो मेरे फ्रेंड नगर में है बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रही है, और देखिए और कन्नू भी मेरा वेट कर रहा होगा। वैसे मैंने फ़ोन करके पूछा था कि कन्नू क्या कर रहा है, तो वे बोल रहे थे कि कन्नू कुछ नहीं कर रहा है और पिताजी को परेशान कर रहा है बहुत ज़्यादा, वो तो डेली करता है। और स्टॉल वो है जो मैंने मम्मी के ऊपर डाल रखा है अपना, वे कह रही थी कि मुझे सर्दी लग रही है, तो मैंने अपना भी स्टॉल उनको दे दिया है। क्योंकि हम एकदम से बहुत ज़्यादा घबरा गए थे जब हम मम्मी को लेकर के चले, और कंबल हमें नहीं पता था कि भर्ती करेंगे। तो जी देखिए राष्ट्रीय स्तर पर भी इनको सम्मान दिया गया है, और ये इनकी फोटो स्टेट इन्होंने यहाँ पे लगा रखी है। तो जी देखिए वे पोछा लगा करके जा चुके हैं, और मैं मम्मी के पास आ गई, उन्होंने बोला था कि आपके रूम में पोछा मैंने लगा दिया अच्छे से। और देखिए अभी मम्मी की तबीयत काफ़ी हद तक ठीक है। तो जी दीदी आ गई थी यहाँ पे मम्मी से मिलने के लिए, और देखिए ये है ना इनकी मौसी के लड़के की वाइफ है। और मम्मी से बातें की है तो मम्मी कहने लगी कि अभी मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तो मम्मी को खिलाए थोड़े से अमरूद, थोड़े से अमरूद और 2 चीकू खिलाए हैं मम्मी को। और दीदी आज तो बहुत दिनों बाद मिले हो आप, है ना, शादी में मिले थे बस, आप इनको देखने के लिए आ गए, नहीं तो कहाँ मिलने वाले थे आप। और ये गांव से ड्यूटी करके आई है अभी,
और ये थोड़ी देर के लिए बस गई थी घर पे, तो इनको पता चला कि मम्मी की तबीयत खराब है, तो ये उनको देखने के लिए आ गई थी यहाँ पे। मेरे साथ बच गए हैं, और कन्नू के पापा को यहाँ भी आकर के काम मिल गया है। यहाँ पे ये लैपटॉप ठीक कर रही है इनका, जो यहाँ के ओनर है उनका, डॉक्टर साहब का। तो जी देखिए, फाइनली है ना, डॉक्टर ने ये बोल दिया है कि आप इनको घर ले जा सकते हो, तो हम लेकर के जा रहे हैं। अभी मेडिसिन लेने के लिए स्टोर पर आ गए हैं कन्नू के पापा, और मैं भी इनके साथ साथ आ गई, और वहाँ पे दीदी और भाई साहब बैठे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर आ गए दवाई लेने के लिए। तो हेलो जी, नमस्कार। हम आ चुके हैं अभी हॉस्पिटल से घर, और पिताजी इंतजार कर रहे थे हमारा काफी देर से हैं। मम्मी की तबीयत खराब थी तो फोन भी करवाया एक दो बार पूछने के लिए। तो चलिए, खैर अभी तो हम आए हैं। मम्मी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, जल्दी ठीक हो जाएगी। अच्छा, और थोड़ा अपनी तबीयत ठीक रखियो, कभी मम्मी के साथ साथ अपनी तबीयत ठीक हो ठीक जा है। मम्मी तो ठीक हो जाएगी, अपना भी ध्यान रखियो दवाई का। है, खांसी लग रही है आज? खांसी हो रही है? काफी लग रही। चलो, तो खांसी की सिरप लेके आया हूँ लिफा के डॉक्टर से, और वो इनको दे दिया जाएगा। अभी हम मम्मी को फिलहाल सब दवाई वगैरह दे दी है, और वे सो रही है, उनको आराम करने के लिए छोड़ दिया है। और आज उनके पास मुझे ही रुकना है रात को, उनका ध्यान रखूंगा कि रात को कुछ हो ना जाए। विभोर की तबीयत कुछ ठीक है, पर अभी भी अच्छी तरह से ठीक नहीं हुई है, और उसका भी ड्रिप तो पूरी हो चुकी है और एंटीबायोटिक का कोर्स भी पूरा हो गया है। फिलहाल उसको भी एक दो दिन और दवा दी जाएगी बुखार की। वैसे उसे 48, उसको 36 घंटे से फीवर तो नहीं आया है, पर अभी मैंने चेक किया तो उसको फीवर मुझे लग रहा है कि अब उसे फीवर हो रहा है। तो फिलहाल उसको शाम वाली दवाई दे दी है, और वो बोल भी रहा था कि मैंने फीवर की तो ले ली है, एंटीबायोटिक की रात ही बोल रही थी, वो मैंने उसको दे दी है। पर मम्मी के सर में दर्द हो गया था डॉक्टर के यहाँ से आने के बाद, फिर तो उन्होंने बोला था कि जब सर में दर्द होगा तो ये वाले टेबलेट उनको दे दे रहा। और उनकी जो रिपोर्टें हैं मम्मी की बिल्कुल सही आई है, कोई दिक्कत नहीं है, पर उनको ना क्या है कि चक्कर आ रही है और उनको घबराहट हो रही है, ये दो दिक्कत है। इसके लिए ही हम डॉक्टर के पास लेके गए थे, घबराहट के लिए, बेचैनी के लिए, घबराहट हो जाती है, बेचैनी हो जाती है, इसके लिए डॉक्टर के लेके गए थे। और बोबी ने उसको इस तरह से तबीयत मम्मी की होते हुए पहली बार देखी है। तो जी मैंने आज है ना मम्मी की तबीयत खराब होते हुए पहली बार देखी, और इस तरह से मतलब तबीयत खराब होना मैंने मतलब किसी इंसान को बीमार होते भी नहीं देखा था अपने घर पे, और यहाँ पे आने के बाद में मैंने बीमार भी देख लिए, एक्सीडेंट भी देख लिया, और बहुत सारे लोग देख लिए हैं, और मतलब बहुत ही दिल कमजोर हो गया मेरा इस तरीके से। मैं तो देखता रहता हूँ, पहले भी कितनी बार मेरे साथ में ऐसा हो चुका है, मम्मी की तबीयत इस तरह की हो जाती है। काफ़ी सालों से मैं उनके साथ में हूँ, तो कई बार देख चुका मैं उनकी तबीयत इस तरह हो जाती है, पर बॉबी ने पहली बार देखी है। तो क्योंकि ज़्यादातर मोस्टली मैं अकेला लेके चला जाता था पहले, तो इसलिए बॉबी आज चली गई थी साथ में मेरी, तो इसने आज पहली बार देखी है। उनकी तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा खराब हो गई थी, वे बहुत ज़्यादा बेचैन हो गई थी। फिर देखो, तबीयत खराब होती है तो बेचैनी भी हो जाती है, और ये सब चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती है, ये जब होता है तो ऐसे हो जाता है। कुछ थोड़ा सा दुख भी होता है ना तो रोना आता है बस, और कुछ नहीं। वैसे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई मतलब सब खुश रहे, सब ठीक रहे, यही मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ हर रोज उठने के बाद सुबह। लेकिन जब भी कोई बीमार हो जाता है तो ये लगता है कि भगवान थोड़े से रूठ गए हमसे, और उनको शायद उनकी सेवा में कुछ कमी रह गई है, लेकिन हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं सभी को खुश रखने की, ठीक ठाक रखने की, और सभी के साथ में अच्छे से रहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है घर में, और आज मम्मी की तबीयत इतनी खराब मैंने पहली बार देखी है। फिर भी हमें हिम्मत बना के रखनी पड़ती है उनको दिखाने के लिए, और हम खुद ना घबराए ये जरूरी है। अगर हम खुद घबरा जाएंगे तो उनको नहीं दिखा पाएंगे। तो वो भी थोड़ा सा घबरा गई थी, पर इसको ये तरीका गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाके घबराना नहीं चाहिए। हॉस्पिटल में गए थे, दिखाया था, सारी समस्या डॉक्टर साहब को बताएंगे, वे समाधान कराएंगे, और फिर खुद भी देखेंगे कि वे क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। पर हाँ, अगर उनको देख के खुद ही घबरा जाएंगे तो फिर हम उनको अच्छे से नहीं दिखा पाएंगे, और उनका जो मनोबल है वो टूट जाएगा। जब बीमार होती है तो उनको सहारा दिया जाता है, और उसी की जरूरत होती है सहारा देने की। सहारा देने से भी बहुत ठीक होते हैं। सच में उनको देख करके मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, गाड़ी में ही मेरी तबीयत खराब हो गई थी, उनको देख करके मुझे चक्कर आ गए थे,
और फिर जैसे तैसे करके डॉक्टर के यहाँ पे भी जाके देखा कि मम्मी को सर्दी लग रही है। फिर मैंने अपना स्टॉल मम्मी को उड़ा दिया था, जो ब्लैक कलर का मैंने स्टॉल रखा था, तो फिर मुझे भी सर्दी लगने लगी। थोड़ी देर बाद इन्होंने मुझे चाय ला करके दी और मुझे थोड़ा सा फिर उसके बाद आराम से मिला। तो फिर मैंने अपना थोड़ा व्लॉग बनाया क्योंकि दीदी और भाई साहब भी वहाँ पे आ गए थे, इनकी मौसी के जो लड़के हैं पिन्नू भाई साहब और उनकी वाइफ। तो उन्होंने जा करके बहुत कुछ समझाया मम्मी को भी और हमें भी कि सब कुछ ठीक हो जाता है, ऐसे नहीं होता है। और ये बीमारियां घर में चलती रहती है सभी के, हमारे भी चलती रहती है और वो चलती रहती है, आती जाती रहती है बीमारी, ऐसा नहीं है। और कुछ दिन दुख के आते हैं, आएंगे चले जाएंगे, फिर ठीक हो जाएगा। वैसे बहुत सारे दुख हम देख चुके हैं और अभी भी चल रहे हैं, पर इससे बड़े बड़े दुख भी देख चुके हैं। ऐसी बात नहीं कि अभी दुख है, तो इसलिए हौसला बनाए रख रहे हैं। और आज का व्लॉग हम ज़्यादा नहीं बना पाए हैं, थोड़ा कम ही बनाया है क्योंकि हम ज़्यादा डॉक्टर के पास बिजी थे और थोड़ा सा मन भी ठीक नहीं था हमारा कि हम लोग कुछ बनाए। पर जैसे ही भी मौका मिला कहीं भी, हम थोड़ा सा जैसे हॉस्पिटल में लेकर गए मम्मी को, तो मम्मी थोड़ी सी ठीक हो गई थी, तो हम लोग खुश हो गए थे कि मम्मी ठीक हो गई है और अब घर लेके चलेंगे। मम्मी बोलने लगी घर चलना है, आराम कर रही थी, नींद भी आ गई थी मम्मी को। तो तब हमने भी लोग थोड़ा सा बनाया है, पर फिर से अचानक से मम्मी की तबीयत खराब हुई है, तो फिर हम थोड़े से अपसेट हो गए थे, उसके कारण हम भी लोग फिर बिल्कुल बनाना बंद कर दिया है। और उसके बाद हम जब डॉक्टर के यहाँ से लेके आई है दवाई वगैरह लेके आई है, और अब हम घर आए हैं, तो अब मम्मी आराम कर रही है, विभोर भी आराम कर रहे हैं, पिताजी भी आराम कर रहे हैं, भाई भी आराम कर रहे हैं, सभी लोग आराम कर रहे हैं, बस मैं और वो भी जगे हुए थे। तो हम लोग आ चुके हैं और थोड़ी देर के लिए बैठे थे, तो अपना ब्लॉग का हम यहीं पे एंड करने के लिए आए थे। तो अभी चलिए हम अपने ब्लॉग का एंड कर देते हैं और जल्दी मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारी नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, शुभ रात्रि।